नमस्कार। आज की योगा ओलंपियाड की इनॉगरल प्रोग्राम में उपस्थित मेरे मित्र शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, एनसीईआरटी की डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद साकलानी जी, जॉइंट डायरेक्टर एनसीईआरटी प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव जी, एआईसीटी की जॉइंट डायरेक्टर आदरणीय पुनिया जी, एनसीईआरटी की सेक्रेटरी प्रोफेसर प्रत्युष कुमार मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एनसीईआरटी, भारत सरकार की शिक्षा विभाग, विभिन्न राज्यों की शिक्षा विभाग, आयुष विभाग के अधिकारी मित्रगण, देश भर से जुड़े हुए विद्यार्थी भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता में ब्लॉक लेवल से पार्टिसिपेट करते हुए आप राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ 3 दिन की आपकी एक प्रकार से ओलंपिक होगा, ओलंपियाड होगा। उसमें आपकी योगा की संपर्क में आपकी जो कौशल्य, जो आपकी धारणा, जो आपकी समझ है, उसको आप एक प्रतियोगिता के नाते प्रकाश करोगे, प्रदर्शित करोगे। उसमें फिर आपको चयन किया जाएगा और 20 तारीख को समापन उत्सव में आपको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे तो चंद विद्यार्थी मित्र प्रतियोगिता में सफल होंगे, लेकिन जो मेरे दृष्टि से योगा जैसे आयाम में जो जुड़े हैं, ब्लॉक लेवल से यहाँ तक जो जुड़े हैं, ये सभी को मैं प्रशंसा करता हूँ, सभी को अभिनंदन करता हूँ। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। योगा को आपने अपने जिंदगी का हिस्सा बनाया, इसको वन टाइम इवेंट ना करते हुए आप इसको आपकी लाइफस्टाइल में लाओगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। एनसीईआरटी ने पिछले 8 साल से इसी को आयोजन कर रहा है, आप भी धन्यवाद के पात्र हो। 2014 27 सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री विश्व की सर्वोच्च व्यवस्था यूएन में अपील किया कि योगा को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की विषय को सामने रखते हुए मान्यता दिया जाए। विश्व की 172 देश एकत्रित होकर योगा को एक्सेप्ट किया, योगा को मान्यता दिया। मैं भारत की ओर से, भारत की हजारों साल की परंपराओं की ओर से यूएन को भी धन्यवाद देता हूं, उसको आपने एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के कारण। वैसे ही योगा आज विश्व में कोई भी आप जगह पे जाओ, आप सुबह सुबह विश्व की, मेरा जो अनुभव है, मैं विश्व की पूर्वी हिस्सा भारत की और अंतिम पश्चिम हिस्से में भी गया हूं, सुबह ऐसा कम शहर हमें मिला होगा जहां सुबह कोई पार्क में योगा करते हुए लोगों को मैं नहीं देखा। योगा इज नो मोर ए इंडियन प्रैक्टिस, इट्स ए ग्लोबल प्रैक्टिस, इट्स ए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिस। ये आज यूएन के कारण उसकी मान्यता और बढ़ी है। मित्रों, योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज से और कुछ है, जिसके बारे में मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उल्लेख किया। विशेष करके अभी अभी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा, और विशेष करके कोरोना के बाद, कोरोना विश्व भर को हिलाया, विश्व भर को। एक ऐसे ही बीमारी पहुंची जिसकी उपचार में विभिन्न प्रकार की मेडिसिन के साथ, वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, लेकिन एक चीज सबने रेकमेंड किया, प्राणायाम करो, फिजिकल फिटनेस बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज की यानी वर्कआउट से ज्यादा योगा करो, जिसमें एक नई प्रकार की ऊर्जा स्फूर्ति उत्पन्न होगी। ये एक वैज्ञानिक पद्धति सबके सामने रखा गया।
इसलिए योगा की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बार योगा दिवस को हमने योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसी दृष्टि से मनानी चाहिए, हम लोग उसको मनाएं, हमें योगा के माध्यम से दुनिया को जोड़ना है, हमारे देश को भी जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मैं अभी साकलानी जी को पूछ रहा था कि क्या योगा हमारी कैरिकुलम की फ्रेमवर्क के अंदर है क्या, अभी तक एनसीईआरटी की किताबों में योगा औपचारिक रूप में नहीं है, पासिंग रेफरेंस में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन योगा की विरासत, योगा की वैज्ञानिक प्रमाण, योगा की यूटिलिटी उपयोगिता, विशेष करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में एनर्जेटिक बनने में योगा की क्या भूमिका है, हमारी नई पीढ़ी को सिखाने के लिए पाठ्यक्रम में बहुत आवश्यकता है। मेरा अपेक्षा है एनसीईआरटी से, इस बार जब आपकी एनसीएफ की जो काम आपको सरकार ने दिया है, योगा को प्राथमिकता के साथ आपकी ईसीसी लेवल से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो आपको मैंडेट है, बाल वाटिका आप कल्पना कर रहे हो, उस बाल वाटिका से 12वीं तक यह जो 15 साल की आपकी जर्नी है, हर एक साल हर एक कोर्स में योगा की इवोल्यूशनरी प्रोसेस आप कोर्स में डालोगे, ये मेरा विनम्र आपको सुझाव है, तभी जाके योगा हमारी पाठ्यक्रम में जब आएगा, सिर्फ ये एक रिचुअल से इसके साइंटिफिक इनोवेटिव इंपैक्ट तक हम समझाएंगे तब जाके ये हमारी लाइफस्टाइल में आएगा। मैं अपेक्षा रखता हूं इस बार एनसीईआरटी उसको ध्यान देगा। मित्रों, योगा की फायदा के बारे में मैं आपको बताने का धृष्टता नहीं करूंगा, मैं तो आया हूं, मेरा तो अपेक्षा था कि कोई खुले मैदान में होता, योगा ओलंपिक या कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज ये आर्म चेयर के अंदर नहीं होती है। मैं क्षमा चाहूंगा सकलानी जी को और उनकी टीम को, अच्छा होता आप कोई मैदान में उसको करते, उसी को हम लोग उद्घाटन करते, आपने किया है, मेरे को कह रहे थे हमारे पुराने डायरेक्टर महोदय, 2015 में आपने जब शुरू किया तालकोटरा स्टेडियम के अंदर से किया, अगले बार मैं ये भी अपेक्षा रखता हूं ब्लॉक लेवल से नीचे स्कूल लेवल पे, देश में 16 लाख स्कूल है सरकारी और गैर सरकारी, 16 लाख स्कूल में से ही पार्टिसिपेशन आए, ब्लॉक लेवल पे उसकी ओलंपियाड हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आगे पीछे राष्ट्रीय स्तर पे जगह को बदलते बदलते, सभी चीज दिल्ली में होना चाहिए जरूरी नहीं है, योगा ओलंपियाड की राष्ट्रीय प्रतियोगिता देश की विभिन्न प्रांतों में विभिन्न समय में हो, यही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन रूप में आने वाले दिनों में बने, ये मेरा दूसरा सुझाव और अपेक्षा है। मित्रों, मैं अंत में इस विषय को कह के मेरे वाणी को विराम देता हूं। योगा के बारे में भारत की जो जीवन शैली है, भारत की मनुष्य एक सिर्फ भोग की इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खाना पीना जिंदगी को समय के साथ बिताते जाना ऐसा एक एंटिटी नहीं है, मनुष्य को कहा गया है कि जीवंत एंटिटी है, लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी को ठीक रखने का कुछ पाथवे है, इसके बारे में हमारी ऋषियों ने मुनियों ने हजारों साल पहले से कुछ वैज्ञानिक पद्धति हमारे सामने रखा है, योग उसी में से एक है। सिर्फ ये शरीर को आगे पीछे करना, बेंड करना, मरोड़ना इतना ही नहीं है, इसको करते करते उसके अंदर एक
स्फूर्ति जागृति होती है, एक का शक्ति जागृति होती है, ये शायद दुनिया की किसी भी एक्सरसाइज से अलग है। इसलिए एक्सरसाइज नहीं है, एक जीवन शैली है। इसी में से ही, इसी सॉफ्ट पावर के अंदर हम भारत को विश्व की घर घर तक पहुंचाने के लिए 21वीं सदी में एक सुअवसर है। इसी को हमारी शिक्षा जगत औपचारिक रूप में इसको हिस्सा बनाते हुए हम आगे ग्लोबल सिटीजन जब हम बनाएंगे उसी में हमारा ये योगदान रहे। इसी शुभेच्छा के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय आपका इस मार्गदर्शन के लिए। अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय और आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि हम एक संक्षिप्त योगा प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए, और जैसा कि आपने कहा स्फूर्ति आ जाती है उसे देखकर, उसका आनंद लेने के लिए पहली पंक्ति में अपना स्थान ससम्मान ग्रहण करें। सर, यहां पर एक संक्षिप्त योगा प्रस्तुति अभी होने जा रही है, आप सभी ससम्मान पहली पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। स्टेज स्टाफ इसको जल्दी से आप मैनेज कर दें। हमारे इस राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 में शिरकत करने जा रहे प्रतिभागियों द्वारा योग की एक उत्सव संबंधी प्रस्तुति यहां पर होने जा रही है, जो कि संक्षिप्त है। मैं मंच पर कुछ ही क्षणों में आमंत्रित करूंगा कर्नाटक से आए बच्चों के दल को, जो कि एक विस्मित कर देने वाली प्रस्तुति, योग प्रस्तुति यहां पर करने जा रहे हैं, और ये निश्चित रूप से आपका मन मोह लेगी। और जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि योग जो है आपको स्फूर्ति भर देता है आपके अंदर, तरोताज़ा कर देता है आपको, और न सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और जीवन के ऐसे कई आयाम हैं जिनमें योग आपको एक दृढ़ता प्रदान करता है। तो ऐसा ही एक योग प्रस्तुति के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने छात्र यहाँ पर करने जा रहे हैं, और इनका जो सामंजस्य है, इनकी जो लयबद्धता है, उसके आप मुरीद हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं आप सभी को बता दूं, इस योग में एक विशेष बात होगी इस संक्षिप्त योग प्रस्तुति में कि इसमें मैट का प्रयोग नहीं होगा। इनकी जो प्रैक्टिस है, इनका जो अभ्यास है, वो भी ऐसा ही है कि इन्होंने बिना किसी मैट के ही उसका अभ्यास किया है। आप यहाँ देखेंगे कि वो बहुत ही कुशलता से अपने योगासन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और उनका जो सामंजस्य है वो अतुलनीय होगा। इस दल में 9 बच्चे हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, और अब मुझे लगता है कि बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं स्वागत करता हूं इन बच्चों का आप सबकी लयबद्ध करतल ध्वनि इस संक्षिप्त योग प्रस्तुति के लिए। टेक्निकल टीम, कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज। Thank you.
सुवृत्ति पक्ष पक्ष युद्ध नारविंद चक्षुषो प्रजा महिमा केन्द्र